आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में देखे और सीखे द नीटिंग चैनल में। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा क्रोशिया डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिससे आप बेबी ब्लैंकेट बना सकती हैं, टीवी कवर बना सकती हैं, फ्रिज कवर बना सकती हैं, इसे आप कैप बना सकती हैं, कार्डिगन बना सकती हैं, इसे आप बैग भी बना सकती है। तो ये पैटर्न बहुत ही खूबसूरत है, दोनों साइड से सेम दिखेगा डिज़ाइन। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में एक घंटी आएगी यानी बेल आइकन आएगी, उसे आप दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप बेल नहीं दबाएंगे यानी घंटी नहीं बजाएंगे, तो मेरी कोई भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी कि मैंने कौन सा वीडियो कब डाला, ये आपको नहीं पता चलेगा। और प्लीज़ वीडियो को देखते हैं तो शेयर भी करें, साथ में लाइक भी कर दें। अब प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, इतना मेहनत करती हूँ तो वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गांठ लगाएंगे, जिसे स्लिप नॉट भी कहते हैं, इस तरह से लगाएंगे हम इसे। इस गांठ को हम हल्का रखेंगे, देखिए इस तरह से जब गांठ बनाएंगे हम, तो इस गांठ को हम हल्का रखेंगे। जब आपके फंदे, अगर आप चेन बनाते समय अगर आप भूल जाएं कि हमने कितने चेन बनाए हैं, तो जितने आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से आप फंदे ले लें, और जितने भी बच जाएंगे आप किनारे से लास्ट में फंदे आप इसे खोल सकती हैं। इसलिए ये देखिए इतना इसे ढीला रखेंगे हम। तो चलिए यहाँ से हम चेन बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। देखिए 25 मैंने बनाए यहाँ पे चेन, आप इससे ज़्यादा कम कितने भी ले सकते हैं, मैं सिर्फ आपको डिज़ाइन बता रही हूँ। अब देखिए सेकंड चेन में डाल के हम सेकंड चेन में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए फर्स्ट चेन में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फर्स्ट और लास्ट हमें सेम करना है, ये ध्यान रहे। देखिए पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर क्रूस पे धागा लेंगे, उसके अगले चेन पे डालेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब एक चेन लेंगे हम यहाँ पे, और नीचे से एक चेन स्किप कर देना है, ये चेन छोड़ देंगे हम, अगले चेन में डालेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डालेंगे 3 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डालेंगे 4th डबल क्रोशिया, देखिए 4th डबल क्रोशिया होने के बाद हमें यहाँ पे 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद फिर नीचे से एक स्किप करेंगे, फिर उसके अगले वाले चेन पे डालेंगे, देखिए ये स्किप करना है, यहाँ पे डालेंगे 1 चेन स्किप करेंगे, एक बनाया, फिर इसी तरह से बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया जैसे हमने बनाया है। डबल क्रोशिया, ये 4th डबल क्रोशिया, देखिए फिर 1 चेन, इसी तरह से करते हुए मैं यहाँ तक कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ हमने 1 चेन लिया, क्रोस पे धागा लेंगे, 1 चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में डालेंगे यहाँ पे, और 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे
अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने स्लिप नॉट सॉरी जैसे मैंने शुरू में किया हुआ था सिंगल क्रोशिया उसी तरह से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। बाद जितने भी बचे फंदे हैं हमारे यानी चेन है इसे हम खोल लेंगे। इस तरह से इसे खोलना है देखिए, इसलिए मैंने इसे इस तरह से इसे रखेंगे, इस धागे को इस पार कर लेंगे। अब देखिए इसे इस तरह से खोलेंगे हम। इस तरह से खोलें फिर ये खोलेंगे, जितने ज़रूरत है उतने लें, उसके बाद फंदों को खोल दें। ये हमने फंदे खोल दिए जितने हमारे ज़रूरत है। अब इसे इस तरह से खींच देंगे, एक फंदे और खोल लेते हैं। अब देखिए इस फंदे को हम इस तरह से खींच देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, फिर से इसी तरह से गांठ लग गई। अब देखिए यहाँ पे हम तीन चेन लेंगे, 1 2 और ये 3, इधर पलट जाएंगे। थ्री चेन लिया हमने, देखिए ये जो हमने दो बनाया हुआ था एक साथ, ये जो है एक हमने डबल क्रोशिया बनाया हुआ था देखिए, और एक हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। तो जो डबल क्रोशिया है उसके नीचे की ओर से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पे इसे इस तरह से जोड़ लेंगे। देखिए सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है हमें इसे इस तरह से। अब यहाँ पे हम तीन चेन लेंगे, देखिए 1 2 और ये 3। थ्री चेन लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे एक गैप है, इस गैप में हमें तीन बार डबल क्रोशिया बनाना है। टू और ये 3, यानी तीन बार हमें डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है। अब देखिए यहाँ पे चार डबल क्रोशिया है, 1 2 3 4, ये फोर्थ नंबर डबल क्रोशिया पे हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे अंदर की ओर से इस तरह से, और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसे बांधना है हमें इस तरह से। जहाँ आप बांधेंगे उसके ऊपर हमें तीन चेन लेना है, देखिए 1 2 और ये 3। थ्री चेन लेने के बाद देखिए बगल में ही गैप आ जाएगी, यहाँ पे हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। थ्री बनने के बाद फिर हम देखिए यहाँ पे चार डबल क्रोशिया आ गए। अब ये जो चौथे नंबर का डबल क्रोशिया है यानी फोर्थ नंबर का डबल क्रोशिया, उसके नीचे से डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से इसे इस तरह से जोड़ लेना है। फिर यहाँ पे तीन चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। थ्री चेन लेने के बाद देखिए फिर से हम उसी तरह से करेंगे, ये 2 3। फिर देखिए ये हमारे फोर्थ नंबर क्रोशिया जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे हम इस तरह से क्रोश डालेंगे, इस तरह से क्रोशिया डालना है और यहाँ सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ लेंगे। फिर से तीन चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर देखिए यहाँ पे गैप आ गई, फिर यहाँ पे फिर हम उसी तरह से तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब देखिए जो फर्स्ट में हमने यहाँ पे जो हमने बनाया हुआ था सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे गैप है, इस गैप में इसी तरह से इसे लेंगे और यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेंगे हमें, इस तरह से इसे जोड़ लेना है। अब यहाँ पे हम तीन चेन लेंगे, जब हम पलटेंगे तो तीन चेन लेंगे, 1 2
और ये 3। अब देखिए इधर पलट जाएंगे, इधर पलटने के बाद देखिए यहाँ एक गैप दिखेगी जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया जोड़ा था उसके बगल में गैप है। यहाँ पे देखिए दिख रही है एक गैप यहाँ पे, एक गैप यहाँ है। तो इस गैप में हम इस तरह से डालेंगे क्रोशिया धागा लेते हुए और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। डबल क्रोशिया बनने के बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए 3 दिख रहे हैं हमारे, 1 2 3। तब यहाँ इस तरह से लेंगे इसे और इसमें जोड़ेंगे, पहले यहाँ हमने जोड़ लिया। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे जैसे हमने पहली बार किया हुआ था, लेकिन फर्स्ट में हम यहाँ पे इसी तरह से करेंगे। फिर से एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको, जब हम इधर पलटेंगे तो 3 चेन लेंगे, यहाँ पे देखिए 3 चेन लेंगे और यहाँ पे गैप है। तो सबसे पहले क्रोस पे धागा लेके हम यहाँ पे एक डबल क्रोसिया बना लेंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है, एक चेन एक डबल क्रोशिया है तो इसे काउंट नहीं करना है हमें। अब बिना क्रोस पे धागा लिए हुए जो हमारे 3 डबल क्रोशिया है, 1 2 3 सबसे लास्ट वाले डबल क्रोशिया पे जैसे हमने पहली बार किया हुआ था सेम उसी तरह से करेंगे, लेकिन उसमें 4th नंबर पे किया था, इसमें 3 नंबर पे करेंगे क्योंकि अब हमारे फंदे 3 नंबर पे ही चलेंगे। जितने भी है 3 बार ही डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से हमने इसे जोड़ लिया। अब यहाँ पे 3 बार हम चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। 3 चेन लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे गैप आ गई, सेम उसी तरह से बनेगी। टू डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो 3 नंबर क्रोशिया पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया के अंदर यहाँ पे हम इस तरह से डालेंगे। तो दिखा देती हूँ, देखिए 3 डबल क्रोशिया है, इसके अंदर डालेंगे इस तरह से क्रोशिया अंदर की ओर से और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ लेना है। फिर यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। 3 चेन लेना है, फिर देखिए उसके बगल में ही गैप आ जाती है, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया होने के बाद देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे इस तरह से फिर से हम उसी तरह से करेंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पे डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 ये 3। फिर हम यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए तो देखिए अब यहाँ पे हम इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ जो हमने बनाई थी यहाँ इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से हम जोड़ लेंगे। सेम यही 2 लाइन आपको रिपीट करते जाना है। फिर हम इस तरह से करेंगे, 1 2 और ये 3। इधर एक बार बता देती हूँ आपको, अब देखिए देखिए यहाँ पे यहाँ 3 डबल क्रोशिया है, 1 2 3 यहाँ पे गैप है, देखिए एक यहाँ गैप है एक यहाँ गैप है, तो इस गैप में डालेंगे हम यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद देखिए जब इधर पलटेंगे तब इसी तरह से करेंगे, फिर यहाँ पे पहले जोड़ना है हमें, फिर यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब गैप में यहाँ पे बुनाई करेंगे सेम इसी तरह से जैसे मैंने 1 2 रो बताया है, बस ये सेम इसी तरह से करते हुए जाना है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा बुन के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ, तो बनने के बाद ही बहुत ही खूबसूरत लगता है, दोनों साइड से भी बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है ये। आप इसे बीच बीच में मोती भी डाल के बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये।
तो चलिए बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर दें, और लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ डिसलाइक ही कर दें। तो चलिए फिर कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।